भाई ये है नाइथो का ड्राई प्रो 1 कंपटीशन रेसिंग व्हील। पिछले ना 4-5 दिनों से आपका भाई इसको टेस्ट कर रहा है, इसमें अच्छे अच्छे कार रेसिंग गेम्स खेले हैं मैंने। भाई ये वैसे है ना मेरे पास 1 महीने पहले आया था रिव्यू के लिए। ये ड्राई प्रो 1 कंपटीशन वाला वेरिएंट है, एक है ना सिंपल ड्राई प्रो 1 भी है। क्या डिफरेंस है आगे बताऊंगा। भाई की है ना 8 दिसंबर की वेडिंग थी, जिसकी वजह से पिछले 4 महीने से ना टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ तो घर पर काम चल रहा था, शादी वाला घर, यू नो। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को है ना ऑल पर सेट कर दो, यू नो यूट्यूब एल्गोरिथम मस्त मस्त कंटेंट की नोटिफिकेशन को तुरंत मिलती रहेगी। सो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर के बॉक्स में ना ये नाइथो का जो रेसिंग व्हील देखने को मिल जाता है। नाइथो वट एवर समझ जाना है, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, NITHO इसकी स्पेलिंग है। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें जो सिक्वेंशियल गियर शिफ्ट है ना ये देखने को मिल जाता है। ये इस तरीके से भाई आगे पीछे होता है, वो वाला गियर नहीं है जो गाड़ियों में होता है ना 1, 2, 3, 4, वो वाला नहीं है, सिंपल आगे या पीछे होगा। आगे बताता हूँ बाकी डिटेल में। इसके अलावा यहाँ पर है ना ये फाइनली हमें रेसिंग व्हील जो है ना ये देखने को मिल जाता है। यार भाई मतलब कमाल क्या यार, हाथ में लेती है ना एकदम मतलब हाई लेवल वाली फीलिंग आती है, काफ़ी हाई वेट है और मतलब ग्रिप काफ़ी तगड़ी है इसकी। जो फर्स्ट इंप्रेशन रहे हैं ना मेरे बहुत तगड़े रहे हैं, आगे डिटेल में बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर है ना मैं 2 पैडल वाला जो सेट है ना वो देखने को मिल जाता है। ये मतलब एक में आपको टोटल देना है मतलब एक्सीलरेटर हो गया, और एक में गाड़ी आगे पीछे करनी है, ब्रेक वगैरह कोई भी फंक्शन है ना आप असाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ये लैन केबल देखने को मिल जाती है, लैन टू लैन केबल है जो कि इस गियर शिफ्टर में लगानी है आपको एक एंड, दूसरा एंड आपको है ना जो ये रेसिंग व्हील है इसके पीछे लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रेसिंग व्हील में ना पीछे की तरफ आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर 3 पोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो ये लैन टू लैन केबल वाला जिससे आपको ये गियर शिफ्टर कनेक्ट कर देना है, एक पोर्ट है ना गेम पैड के लिए है, इस तरीके का अगर आप गेम पैड को ना अलग से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, USB टाइप ए वाला पोर्ट है। और दूसरा जो पोर्ट है ना वो अगेन लैन केबल का है, वो भाई पैडल्स के लिए है, पैडल्स में ना वायर दी गई है, ये वाली वायर आपको रेसिंग व्हील में कनेक्ट कर देनी है। जो रेसिंग व्हील के साथ अटैच्ड केबल आती है ना टाइप ए वाली, ये आपको सिंपल अपने PC में लगा देनी है, लैपटॉप में लगा देनी है, बस आपका ये रेसिंग व्हील है ना रेडी टू यूज़ है। कोई सा भी गेम खोलिए कार रेसिंग वाला जिसमें सपोर्ट करता है रेसिंग व्हील, आप बस खेल सकते हैं। मैंने ना इसमें फोर्जा होरिजन 4 डेमो वाला ट्राई किया, कुछ 1-2 छुटपुट गेम्स और ट्राई करें, मतलब यार मज़ा आ गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं बॉक्स के अंदर ना मैं नाइथो के कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बकवास है, जर्मन वर्मन लैंग्वेज पता नहीं क्या दे रखा है, कुछ है ना काम की बात इन्होंने नहीं लिख रखी, बकवासबाजी कर रखी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई रेसिंग व्हील के अंदर है ना ये माउंट सिस्टम जो है ना क्लैंप वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहते हो रेसिंग व्हील को इस तरीके से है ना टेबल पे माउंट करना अटैच करना तो आप वो कर सकते हो, और अदरवाइज यहाँ पर है ना 6 सक्शन कप्स हमें देखने को मिल जाते हैं इस टेबल बनाने के लिए। इसको टेबल पे अगर आप माउंट नहीं करना चाहते क्लैंप के थ्रू, सिंपल इसको बस यू रखना है भाई, इन सक्शन कप्स को इसमें अटैच करने के बाद फिक्स करने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से है ना ये मतलब हो जाएगा फिक्स। उठाने की कोशिश करेंगे ना तो उठेगा नहीं, कितने एकदम लगा लेना, सक्शन कप्स की जो पावर है ना भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई इसको एक तो है ना असेंबल करना बहुत ज़्यादा इजी है। एक बात बता दूं मैं आपको, पैडल्स में ना नीचे की तरफ फोल्डेबल हमें फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, मतलब इस तरीके से अगर आपको फुटरेस्ट खोलना है सिंपल आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, आपके थोड़े पैरों को है ना मतलब सपोर्ट मिल जाएगी, अदरवाइज इसके बिना भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप वगैरह यहाँ पर है ना अच्छे तरीके से दी गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई अनबॉक्सिंग कर ली, सारे बॉक्स कंटेंट्स दिखा दिए, सारे मसाला को है ना साइड में पटकते हैं, इसको मैं अब असेंबल यहाँ पर थोड़ा बहुत कर दिया है। मैं अब काम की बात करता हूँ सीधा। यार देखो ये जो रेसिंग व्हील है ना इसमें यहाँ पर लगभग 28-27 बटन दिए गए हैं, यूँ समझ लो जो ये गेम पैड कंट्रोलर होते हैं ना भाई इसमें जितने भी बटन्स होते हैं ना गेमिंग के लिए वो सारे इन्होंने ना रेसिंग व्हील में डाल दिए हैं। तो एक किस्म से ये गेम पैड विद रेसिंग व्हील है, ठीक है, खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बटन लेफ्ट साइड में है, 3 बटन राइट साइड में है, XY BA, नीचे की तरफ होम बटन है, इससे आप अलग अलग मोड में ना स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर है ना एक एनालॉग स्टिक हमें देखने को मिल जाती है, जॉयस्टिक भी बोल सकते हो, ये एनालॉग वाली है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे जैसे घुमाएंगे ना भाई, मान लो गाड़ी के अगर हमें एंगल चेंज करनी है, गाड़ी चला रहे हैं हम, हमें देखना है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है राइट में या फिर आगे, तो वो हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डी पैड वाली स्टिक भी दी गई है, और भी काफ़ी सारे बटन्स हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पीछे की तरफ देख सकते हो ये पैडल्स वाले बटन्स हैं, सारे काम करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो रेसिंग व्हील है ना ये 270 डिग्री लॉक टू लॉक मैकेनिज्म के साथ में आता है, मतलब 270 डिग्री एंगल तक ही घूमेगा उसके बाद लॉक हो जाता है। और भाई यहाँ पर 0 डेड जोन हमें देखने को मिलते हैं, डेड जोन यू नो गाड़ी वाला गेम खेल रहे हैं हम, अगर स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाते हैं ना
तो कई बार ऐसा होता है 30-40 डिग्री तक घुमाया, उसके बाद गेम के अंदर जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना वो घूमना शुरू करता है, तो जो 30-40 डिग्री तक का डिस्टेंस रहता है ना वो एंगल वाला डिस्टेंस, वो मतलब डेड जोन बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या मुझे देखने को नहीं मिली, तो इसलिए कंपनी ने मार्केटिंग कर रखी है जीरो डेड जोन, और वो सही है भाई। मैं आपको बता दूं, गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर सेटिंग्स में हमें सेंसिटिविटी वगैरह मिलती है, उसको थोड़ा है ना छेड़छाड़ करके सेट कर सकते हो। मतलब कंपनी ने अपने एंड से है ना इसको एकदम ठीक से बना रखा है, कई बार इन गेम सेटिंग्स हमें ना थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है, सो डैट हम पूरा जो मजा है ना प्रोडक्ट का ले सकें। और यार एक सबसे मजे वाली बात क्या लगी, यहाँ पर है ना मतलब रंबल वाइब्रेशन वाला फीचर इन्होंने दे रखा है। अगर हम गेम खेल रहे हैं, गाड़ी ठुकती है, तो वाइब्रेशन है ना जो गाड़ी ठुकने वाली वो हमें फील होती है, वाइब्रेशन पे इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा है। और दूसरी बात, जो पैडल्स है ना भाई इसके, अगर हम इसको मान लो थोड़ा बहुत प्रेस करेंगे तो थोड़ा बहुत ही है ना गाड़ी को बूस्ट मिलता है, पूरा प्रेस करेंगे तो पूरा, मतलब कहीं ना कहीं ना प्रेशर सेंसिटिव यहाँ पर पैडल्स हमें देखने को मिलते हैं, जितना प्रेस करेंगे ना उतना तेज गाड़ी में एक्सीलरेशन जाता है, तो फील आता है भाई मतलब सच में है ना जैसे गाड़ी ही चला रहे हैं खुद गाड़ी के अंदर बैठ करके। तो ओवरऑल है ना मैं बता दूं प्रोडक्ट मुझे वर्थ लगा, 8,000 रुपये के 7,000 रुपये के प्राइस में अगर ये मिलता है ना तो आँख मीच करके आप इसको ले सकते हो। मैं बता दूं सबसे मेन बात ये है ना, कंपनी बोल रही है खाली और खाली पीसी के साथ कंपेटेबल है, जो अदर गेमिंग कंसोल्स हैं PS4 हो गया, PS5 हो गया, Nintendo Switch हो गया, शायद उनमें ये वर्क नहीं करेगा, मैंने टेस्ट नहीं किया, सो आई डोंट नो, कुछ जुगाड़ लगा के अगर टिकड़म लगा के काम कर जाए, पीसी में अच्छे से काम करता है, और जो उसका पुराने वाला वेरियंट है ना वो शायद से भाई PS4 में भी काम करता है, तो पता नहीं यार कंपनी ने इसको अपग्रेड बनाया है, डाउनग्रेड वेरिएंट निकाला है, कंपनी ये बोल रही है नया वाला वेरिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ना मुझे उससे थोड़ा सा पुराने वाला वेरिएंट लग रहा है, उससे थोड़ा हल्का वेरिएंट लग रहा है, क्योंकि ये और गेमिंग कंसोल के साथ में कंपनी के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। बाकी अगर आप लोग डिमांड करेंगे नीचे कमेंट करके कि भाई टेस्ट करो कि और गेमिंग कंसोल के साथ भी कंपेटेबल है नहीं है, तो भाई मैं चेक कर लूँगा, चेक करने में कुछ नहीं जाना, रिस्पॉन्स अच्छा देना, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।